हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी ने 2024 के चुनावी रण के लिए अपनी ताकत दक्षिण के 5 राज्यों में झोंकने की तैयारी कर ली है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटें हैं, जहां मिशन साउथ पर बीजेपी काम कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी को कान्हा बताया है। उन्होंने कहा है कि आप भी पिछले 10 सालों से कान्हा की तरह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे राक्षसों का वध कर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यानी सीयू में गर्ल्स स्टूडेंट की नहाते न्यूट वीडियो बनाने के मामले में चंडीगढ़ का नाम सामने आने से शहर की सांसद किरण खेर ने स्पष्टीकरण दिया है। सांसद किरण खेर ने ट्वीट पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई इस खौफनाक घटना से वो हिल गई है। असम पुलिस ने 850 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तार व्यक्ति पंजाब की आप सरकार के कैबिनेट मंत्री इंदरवीर सिंह निज्जर का नजदीकी है। प्रोजेक्ट चीता के लिए कांग्रेस को क्रेडिट न देने पर जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट साल 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में थिएटर का उद्घाटन किया है। वहीं कश्मीर में 30 साल बाद सिनेमा गुलजार हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 40 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। छापेमारी में टीम को डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स, 2 खंजर और 8 लाख से ज्यादा कैश के साथ संदिग्ध सामान भी मिले हैं। पाकिस्तान को नवम्बर में नया आर्मी चीफ मिल जाएगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसका फैसला पीएमएलएन पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ से बातचीत करके लिया जाएगा। ताइवान के दक्षिणी पूर्वी तट पर भूकंप आया, जहां यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई है। इससे पहले शुरुआती छोटे झटके भी आए। वहीं 17 सितंबर को यहां 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। जापान के मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक तूफान नानमाडोल की चेतावनी दी है। ये तूफान तेजी से जापान की तरफ बढ़ रहा है। वहीं 18 सितंबर को ये जापान के समुद्री तट से टकराया। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।